इन्हीं सरबराह का इदे घर इदे दौलत का दाते बन के अमजद खान बतौर एम एन ए और मैं बतौर एम पी ए बन के एहद किता और किता कि तू अगर अपने नजरियात जीरे ते इतन के 100 लाख मुलाजमत तू ही पाकिस्तान की आवाम को दे सके नौजवान को दे सके और तै 50 लाख घर दा नारा मारिया हुए तो वह भी पाकिस्तान को अपने आवन वाले 5 साल दे विच दे सके इदे इलावा तेरी जमात जिंदे विच असीं शामिल पथीने हैं ई जमात दा नां है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पी टी आई और असां तरसते हैं इंसाफ साडे माशरे को अगर इंसाफ मिल वञे तो असां कोई मंजिल तय कर सो असां शामिल थी हो असां इन्हें नाल 3.5-4 साल का जरा वक्त गुजारिया सारे वक्त हम रकाब रहे आज, 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 अगर तुहाडे चो कोई शख्स एक खड़ा थी कि ए चाहिया कि वाकया तक पीटीआई जिले पावर चाहिए तो इंसाफ गरीब की मुहाल टप के आए तो मैं अपना जुर्म तशरीफ करना मैं अब्दुल कादिर की ते अपना मुतालबा वापस कर और अगर कोई यह दावा करें दे कि वाकईतन असं सरकारी घर भी सरकारी तौर उत्ते बनते डिठन और मैं अपने मुख्तलिफ तकरीरें दे विच या जिहड़े साडे मीटिंग्स रह गए उन्हें दे विच मुखातिब थी कि ये अच्छे इंदा इजहार किते कि अज अगर यह एक माड़ी बनती है तो वह माड़ी बनन दे विच सब तो पहले एक सिली दे फपेरे का जिहा ये तबके का इतहाई मफलूकुल हाल शख्स है ऊंघने खेन के उन्हें बाद जल्द वो छतीज वेंदी है और उनका रंग रोगन लगते हैं और उन्हें वे तारा हैं पखे हैं बलब हैं सो इन्हें अंदर एक पंजवी तरीकी पैंतरी सनत है जेरी को रोजगार मिलते सो वो ऐसा पुरकशिश नारा हा कि 50 लाख क्या अगर 10 लाख घर भी पाकिस्तान आवन वाले 5 साल कण किया कि नजर इन्हें अंदर कि कोई गरीब रह ना रह अगर वो भी कहीं बंदा दिखे तो रगाजी खां या मुल्तान वेंदे हैं या कहीं लिया अपने डिवीजन के अंदर सरकारी तौर उत्ते सिवाय इसके कि एक मसनूई कोशिश लावशही पनाहगाह दी के जी असा गरीब को बेआसराए बे छत्ते सड़ते रुलते उनको असा एक छत पे देने हैं और उनको पहुँचा दीता वैसी लंगर अल्लाह करे कि वो ये आइडिया भी उन्हें को जाए दिता और उन दोते वो चलिए वो जैनी खैरात है वो अल्लाह कबूल करे इन्हें सिवा असा खुशहाली नहीं थी चुनाचे इन्हें अलावा सरकारी अहलकार तुहाड़े सारे माशरे का अहम जुज्व ये वो मशीन है जेरी साढ़े निज़ाम को चले दिए उनका पहिया है और सरकारी अहलकार को चलावन की खातिर सियासतदान जेरे सियासतदान ओहदे ते होंदे वजीर आला होंदे वज़रा होंदे इन्हें दे विच इन्हें दी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए और ऐसा उन्हें दा निज़ाम होना चाहिए कि उन्हें दे कोलो सरकारी अहलकार खाइफ रहे और समझे कि अगर मैं किथाई अपनी जाती लालच कहीं मिसकीन गरीब को चक चूंजी पैदा पियां अगर ये फरियाद लगी गई कहीं सिस्टम के जरिए कहीं MPA काउंसलर चेयरमैन MNA के जरिए अगर ये कहीं सरबराह तक तो वो मैं तू मुलाजमत को बर्खास्त कर सकते मुअत्तल कर सकते लिहाजा वो अपने जाती लालच इन्हें बाज आवे सी और कहीं पे आवाज का काम वो करण को तैयार थी वैसी और असा ये भी लिखा कि जिस वेले तमाम महकमे के सरबराहे को हर 2-4 महीने के बाद हटा दिता वेला हा अजन वो पेर रखते बदे होंगे अजन कागज संभलते बदे होंगे अजन अपने हेठले निज़ाम नाल मुतारफ थीते बदे होंगे चाहे वो
चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एक होंगे वह हो चाहे वह जिले का डीसी हो चाहे वह डिवीजन का कमिश्नर हो चाहे वह सूबे की पुलिस की मशीन को चलाने वाला आईजी हो हर दो चार छह महीने के बाद तब्दील पे आप सोचो कि जैको संभलन का मौका ना मिले तो उतर अगर कोई ऐसे जो कहीं पुलिस स्टेशन पर लगसी तो उनकी क्या नीयत हो सी कि थोड़े वक्त बहुत कुछ हासिल करो और फुटो जिन्हें ताकीद पीटीआई नहीं मंजिल बोलनी है और जिस वे धुप की शिद्दत दे प्यासा भी हाँ अल्लाह करे मंजिल मिले तस्सा भी हाँ उसको लहर दसें जिमें पानी बनी दे थुक दे रहा वाले बंदे को समझ सकते हैं कि पानी कोई नहीं और मैं को नजर दे लहर कि ये दरिया है पानी का और वो टूटता रहा था और जितना टूटते वो पानी नहीं मिलता वो धोखा होता एक वजन सुराब या फारसी का लफ्ज ए पी टी आई असा एक चार साल एक धोखा दिखे सुराब दिखे झूठ दिखे और हकीकत अगर कोई शख्स ये समझते कि चार साल पी टी आई दे विच रहन दे बाद आज इत्थे बैठे हुए भी कि मेरे नौजवान चूंकि आधे पैन पी टी आई मगर हालात का तकाजा यह है कि मैं महफिल अटेंड कर गिना मैं ये मौसम दे अमजद दे एडे दे पे कोई इन हुकूमत है कि उत्ते भी है ये तले भी खड़ी है तो मतलब कहीं दिमाग कोई इवें औख सौख हमसाया चुगली पा देवे अज मैं जरा एक वक्त ऑर्डर करके तो थोड़ा जहा झंडा ही चा गिना जलसा ही भुगता गिना मगर मेरा जरा नौजवान बच्चा आ दे कि अबा मैं परदेस कटे ना पे इतना सिरों पी टी आई का ना है चरा आए ध्यान करी मतलब कहीं बेपासे दुबई सऊदी और मेहरबानी करी इना ही मही और वो मजबूर थी इतना आया खड़ा होवे मगर उनका रूह उन जवान बच्चे दे नाल होवे जरा उनको ये ताकीद पिया करें ना होवे मैं उनको मुखातिब आके पी टी आई धोखा है सुराब है बच्चों ही जिंदगी गुजार नहीं सकता हमसाए ना मैं को अपना जनाजा ही पढ़वा चार बंदे फुल सटने वाले ही होवे ये कोई ना आके झूठे दे लाना सो ए मेरी दानिश थी और मैं समझता इहदा सबूत अज कोलो चार साल पहले तुसा ई ले चुके हो कि तुसा पी टी आई दे उम्मीदवार को 18 दे विच उंदे नारे को ठुकरा चुके हो लिहाजा मैं फुलदा रह गया चार साल तुहाडा बाना थी मैं उठे ही खड़े हो और पी टी आई को वोट नहीं देना मैं तुहाडे नाल रल